Hey everyone, this is CA Neha Gupta. Welcome you all on this channel. अगर आप एक मॉडल है या फिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो ये वीडियो है आपके लिए. बहुत बार आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मैं एक मॉडल हूँ या फिर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरे पर GST की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है. रीजन बीइंग आपको लगता है कि मैं अकेला ही तो काम कर रहा हूँ, मेरी कोई टीम थोड़ी है, मैं अकेले ही वीडियो शूट करके उसको अपलोड कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा अलग से कर ही नहीं रहे तो GST किस बात की, मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा. वेल, मॉडल्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे भी GST एप्लीकेबल है अगर आप लोगों का एनुअल टर्नओवर, इट मींस एनुअल रिसिप्ट जिसको प्रोफेशनल टर्म में बोला जाता है, जब लोग प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, 20 लाख से ज्यादा है तो आपको GST नंबर लेना होगा. अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उसमें लिखा होता है कि हमारी पेमेंट 60 या 90 डेज के बाद ही मिलेगी, तो क्या कोई लॉस के बारे में ऐसा बोलते हैं? वेल, लॉ ने ऐसा कुछ नहीं बोला है. एज पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंपनी की पॉलिसी पे ही ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो आपको पेमेंट 60 डेज में देंगे या 90 डेज में देंगे या फिर इंस्टेंट देंगे. थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि GST कितना परसेंट लगेगा अगर आपका एनुअल रिसिप्ट या एनुअल प्रोफेशनल फीस 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको GST चार्ज करना होगा 18%. आपको कंपनी से GST 18% चार्ज करके डिपार्टमेंट में जमा करना होगा और इसके लिए आपको लेना होगा GST नंबर, टाइम रिटर्न फाइल करनी होगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद द अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड द मॉडल्स.